तो क्या हाल है, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में टेक जीनियस में। तो यार आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इसकी बोट्स रॉकर्स के हेडफोन की। तो यार मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगाया, मुझे 59 का पड़ा है। तो बोट्स रॉकर्स का नाम सुन के बंदे मंगा लेते क्योंकि इसकी साउंड क्वालिटी और बेस बड़ी खतरनाक होती है, बड़ी खतरनाक सी बेस होती है इसके अंदर, क्योंकि JBL के बाद यही है जो गरीबों का मसीहा है, क्योंकि JBL बहुत आई है तो बंदे उसे खरीदते नहीं है ज़्यादातर। मेरे हिसाब से तो बहुत कम ही लोग खरीदते हैं उसे जिनके पास, अपने पास तो नहीं है, अपने ख़रीदा है। तो यार इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे हम आज इसका चीरण करने से पहले लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। चल लाइक मत करना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइब प्लीज़ यारो, सब्सक्राइब कर देना। तो यार इसका शुरू करते हैं चीरण। तो शुरू करते हैं इसका चीरहड़। स्मार्ट किया तो इनके लिए पर्ची, ये हमें चाहिए नहीं, ये हमारा मेन मुद्दा है, इसे फेंक दो। तो उसे निकालते निकल गया। कार्तिक आर्यन की फोटो बनी है इस पर। तो ये निकला हमारा स्पीकर और इसके साथ निकला हमारा 1 ईयर की ब्रांड वारंटी। ये कार्ड ब्रांड वारंटी है, खाली कंपनी में जाके चेंज होगा अगर इसे खराब हुआ। इसे रखते हैं अपसाइड, अपन निकालते हैं ये हेडफोन। ये हमारा हेडफोन है, तो यार हमें इसकी 1.2 mm की, वो मान 1.2 मीटर की इसकी वो मिलती है हमें लीड पूरी। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ लीड, ताकि आपको भी तसल्ली हो कहीं ये चूतिया तो नहीं बना रहा। नहीं नहीं यार, इसकी माँ का कहाँ से फटेगी, वो रिल गई है। तो ये निकलेगी, ये भी खत्म, बहुत बड़ी लीड है। और इसके अंदर ये स्पीकर का ये मिलता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये स्प्रिंग मिलती है। यहाँ से बंदे कंप्लेन करते कि मेरी लीड कट जाती है, ये है वो है, तो यहाँ से लीड कटेगी नहीं, समझ रहे हैं आप, ये लीड कटने की ना वजह से है, ये लीड ना कटने की वजह से है इसके अंदर। टन 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 टन, और ये निकल गया। इसकी पूरी बॉडी जो है, जो इसकी पूरी बॉडी है वो प्लास्टिक की है, लेकिन जो इसका ये है ये मेटल का है, और यहाँ पे एलुमिनियम की बॉन्डिंग हो रखी है, एलुमिनियम की बॉन्डिंग है यहाँ पे, ये इस साइड भी और इस साइड भी। आप चाहें तो इसे ऐसे चीर सकते हैं, इसे लगा सकते हैं। और इसके अंदर हमें ये मिलता है ताकि अब इसका माइक भी काफ़ी अच्छा है, इसके माइक से भी मैं आपको टेस्ट कराऊंगा इसका माइक कैसा है। और इसके ये अंदर यहाँ पे है ये बटन, काफ़ी अच्छा लुक है इसके अंदर, माइक के अंदर और इसके स्पीकर्स में, ये जिसकी वजह से लुक आ रहा है इसकी वजह से। तो मैं इसका आपको माइक टेस्ट कराता हूँ, तो मैं अभी इसे अपने फ़ोन में लगाता हूँ। तो यार मैंने ये लगा दिया, आपको साउंड आ रही होगी, तो अब मैं इसके साउंड से बात कर रहा हूँ, ये मैंने इसके अपने फ़ोन में लगा दिया है। तो गाइस मैं आपको, ऐसे भी काफ़ी अच्छा है काम, मतलब कानों में बहुत स्मूथनेस लग रही है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत हार्डपन है, कान दब रहे हैं, ऐसी ऐसा नहीं लगे नहीं लग रहा। और ये देखो यहाँ पे ये इसका ये काफ़ी स्मूथ है, इसके अंदर काफ़ी स्मूथनेस है, ये पूरा ऐसे ये फोल्डिंग है इसके अंदर, ये ऐसे मुड़ जाता है, काफ़ी स्मूथनेस चीज़ें हैं इसके अंदर, मतलब बोट्स वालों ने मेहनत तो की है इसके ऊपर, ऐसी बात नहीं है। तो अभी मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ।
मैं आपको जो ये गाना बजाऊंगा मैं इससे ही बजाऊंगा। खैर ऐसे साउंड पता नहीं चलता मेरे हिसाब से तो, मगर बहुत से लोग होते हैं कि उन्हें लगता है कि भाई साउंड अच्छा है ऐसे पता चल जाता है, लेकिन ऐसे साउंड पता नहीं चलता। फिर भी मैं आपको बजा के दिखा दूंगा, क्योंकि भाई हेडफोन का साउंड हेडफोन में ही आता है। कोई फ़ोन में बजाऊंगा तो भाई आपके फ़ोन में वही फ़ोन का ही साउंड आएगा आपके, बस ये है कि थोड़ा बहुत बेस वेस है वो फ़ोन का ही आता है यार। फिर भी कोई वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको हेडफोन ही खरीदने पड़ेंगे इस साउंड के लिए, क्योंकि सिर्फ मुझे ही अब पता चलेगा इसके साउंड का। मेरे हिसाब से इसका साउंड बहुत बढ़िया है क्योंकि मैंने सुना है, तो मैं आपको इसके 2-3 म्यूज़िक बजा के दिखाता हूँ इसी हेडफोन के अंदर। तो मैं अब लगा के दिखाता हूँ, अपने फ़ोन में लगाता हूँ। गाना बजाता हूँ इसके अंदर, तो आपको साउंड आ रही है। तो मैंने माइक पूरा इसकी तरफ लगा देता हूँ, मैं ज्यादा देर तक के नहीं बजा सकता, कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट की वजह से ज्यादा नहीं बजा सकता मैं। मुझे अब सेकंड बाद गाना बदलना होगा, एक गाता हूँ वो बजाते हैं। यही है जो नॉन कॉपीराइट साउंड है, इसमें पूरा बजाता हूँ। मैं आपको बेस सुनाता हूँ इसकी, तो ये बेस है इसके अंदर। तो यार बस इतना ही था इसमें, अब दिखाने के लिए कुछ ज्यादा खास है नहीं, क्योंकि भाई हेडफोन में क्या खास होता है अनबॉक्सिंग के लिए, जो मैंने फिर भी आपको दिखा दिया कि अनबॉक्सिंग करके कि भाई इसका साउंड अच्छा है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा साउंड है इसका, लो बजट में और सबसे सही कि बंदे होते हैं भाई, बहुत से बच्चों को अब ऑनलाइन क्लास के लिए भी चाहिए, अगर कोई बच्चा देख रहा है तो ये ऑनलाइन क्लास के लिए भी बहुत अच्छा है, मैंने खुद यूज़ कराया इसे, तो ये ऑनलाइन क्लास के लिए भी अच्छा है। आप म्यूज़िक सुन सकते हैं इसे, म्यूज़िक के लिए तो भाई बेहतरीन चीज़ है ये, मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन चीज़। आप चाहें तो मेरे हिसाब से तो इसे बाय करिए बिना किसी सोचे बिना कुछ करे, बोट्स रॉकर्स का नाम ही काफ़ी है और साउंड क्वालिटी बहुत मस्त है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको अनबॉक्सिंग अच्छी लगी या कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कर दें, लाइक करें भी ना तो सब्सक्राइब तो कर ही दें यार, सब्सक्राइब प्लीज़ 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 भाई कर दो, भाई का चैनल है। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में।